We nurture with care, developing the vision and determination. We shape the future of the nation. We are Great Men International School. देश भर में लगातार कोरोना वायरस की दस्तक बढ़ती जा रही है, इसी वजह से कई लोगों की मौत भी हो गई है तो सैकड़ों लोग इससे संक्रमित हैं, जिनका इलाज भी जारी है। हालांकि इससे बचाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में लॉकडाउन लगाया है। वहीं कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सागर केंद्रीय जेल से 328 कैदियों को 60 दिनों के लिए पैरोल पर छोड़ा गया है, जो 29 मई को वापसी करेंगे। जानकारी के मुताबिक 130 कैदी सागर शहर के अलग अलग इलाकों के हैं, जबकि बाकी कैदी जिले की अलग अलग तहसीलों से हैं। सभी नियमित पैरोल पर जाते हैं। बताया गया कि जेल में तकरीबन 1848 कैदी हैं, जिनमें से सजा याफ्ता 1403 और 439 विचाराधीन कैदी हैं और 6 अन्य बंदी हैं। मंगलवार को पैरोल पर छोड़े गए सभी कैदी 7 साल से आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं और ये सभी 302 और 307 के आरोपी हैं। रहेंगे किसानी करेंगे, घर की किसानी है। कहाँ के रहने वाले हैं? दोनों। तो घर में ही रहेंगे कि घर से बाहर भी जाएंगे? घर में ही रहेंगे और खेत में काम करेंगे। उसकी जो ये बीमारी की गंभीरता के बारे में मालूम है आपको? जी सर। क्या गंभीरता है? बहुत ज्यादा गंभीरता। हम लोग तो मास्क बना रहे थे, पीते ही नहीं। मास्क भी बनाया आपने? यहाँ जेल से रिहा हुए हैं तो आपको पता है कि अभी कोई बीमारी चल रही है? तो अब यहाँ से निकलने के बाद क्या रहेगा आपका काम? खाने जाएंगे, खाने से घर में जाएंगे, बाहर नहीं। घर के बाहर नहीं जाएंगे? ये जेल मुख्यालय से और शासन की तरफ से हमें ऐसे पात्र नियमित बंदी जो पेरोल का लाभ ले रहे हैं नियमित रूप से, उनको 60 दिवस आपात पेरोल छोड़ने के जो आपात पेरोल में जो प्रावधान उनमें संशोधन कर 60 दिवस के लिए आदेश प्राप्त हुए। इसी तारतम्य में कुल सेंट्रल जेल सागर में 328 बंदी इसमें पात्रता रखते जो रिहाई की कार्रवाई अभी हम कर रहे हैं। We nurture with care, developing the vision and determination. We shape the future of the nation. We are Great Men International School.